हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के 60 बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो लोग सीपीसीटी, व्यापम, पटवारी या फिर ऐसा कोई एग्जाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो जरूर आपका इस वीडियो में से एक ना एक शॉर्टकट फंसेगा, और उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा जो डेली ऑफिस वर्क करते हैं। अगर वह इस वीडियो को देखते हैं तो वह अपने ऑफिस वर्क में स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शॉर्टकट हमारे पास है वह एमएस एक्सेल को ओपन करने का है। जी हाँ दोस्तों, आप कमांड के द्वारा एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ आर क्री पेस प्रेस करनी होगी। तो इस प्रकार से एक विंडो खुलकर आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पर सिंपल एक्सेल टाइप कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एमएस एक्सेल की एक न्यू वर्कशीट ओपन होकर आ जाएगी। देखिए, यह आ गई है। तो इस प्रकार से आप एमएस एक्सेल को कमांड के द्वारा खोल सकते हैं। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह एक वर्कशीट इंसर्ट कराने के लिए है। हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट करा सकते हैं। जी हाँ, इसके दो शॉर्टकट हैं। पहला है Alt I W, दूसरा है Shift 11। यह भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए, आप मेरे अभी सिस्टम में दो वर्कशीट ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको Shift 11 के साथ करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं Shift के साथ 11 की प्रेस करूंगा। तो आप देखिए, शीट 2 नाम से एक हमारे पास नई वर्कशीट ओपन होकर आ गई है। इसी प्रकार जो अल्ट वाली की है उसका प्रयोग और मैं आपको करके बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अल्ट अल्ट दबाना है, फिर आई दबाना है और फिर डब्लू दबा देना है। तो देखिए, एक न्यू शीट आपके सामने ओपन होकर आ गई। जी हाँ, जो भी मैं आपको अल्ट वाले शॉर्टकट बताऊंगा आपको उनका प्रयोग इसी प्रकार से करना है। एक एक करके वह वर्ड दबाने हैं। तो अगला जो शॉर्टकट है भाई हमारा, एक सीट से दूसरे सीट पर जाने के लिए यूज होता है। कंट्रोल के साथ जब हम पेज डाउन दबाएंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो हम पीछे की ओर बढ़ेंगे। आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वह वर्कशीट डिलीट करने के लिए, आपको पहले अल्ट दबाना है, फिर ई दबाना है, फिर एल दबाना है। तो आपकी वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद है डाउन फिलिंग। डाउन फिलिंग के लिए मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे आपको एक शब्द है राम, और आपको यह इतने सेल में नीचे की ओर चाहिए, तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएं तो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे वह फिल हो जाएगा, उन सेलों में फिल हो जाएगा। तो यह आपका डाउन फिलिंग का शॉर्टकट है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वह है हमारा राइट फिलिंग। जैसे हमने डाउन में की थी उसी प्रकार से हम राइट साइड में फिलिंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे हमें राइट साइड में फिलिंग करना है तो हम इतना सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर देंगे तो यह फिल हो जाएगा। तो हमारा अगला शॉर्टकट है अल्ट आई आर। इसके द्वारा हम एक नई रो इंसर्ट करा सकते हैं। आप करके देखना, हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है हमारा
कॉलम को इंसर्ट कराने के लिए, जी हाँ, आप अल्ट के साथ आई और फिर सी प्रेस करेंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट हमारा अल्ट के साथ ई डी आर और एंटर है। इससे हम अपनी रो को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना कॉलम डिलीट कर सकते हैं अल्ट के साथ एफ डी और सी के द्वारा और फिर एंटर दबाकर। जब आप यह दबाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, तो वो आपसे पूछेगा पूरी रो डिलीट करनी है, कॉलम करना है, तो आप जो भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वह डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह शॉर्टकट यूज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जिन जिन शॉर्टकट में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगला हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F3। इससे आप अपने सेल का टू गिव नेम टू द सेल, इससे आप अपने जो सेल है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इस सेल का नाम है G18, यह देखिए G18 है। अगर आप इसका नाम कुछ और देना चाहें तो दे सकते हैं कंट्रोल के साथ F3 का यूज करके। इसके बाद है इंसर्ट कमेंट। आप अल्ट के साथ IM का यूज करके कमेंट दे सकते हैं। इसके बाद है डिलीट कमेंट। जो भी कमेंट आपने दिया है भाई आप डिलीट कर सकते हैं अल्ट के साथ EA और M का यूज करके। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है भाई ऑटो करेक्ट ऑप्शन का है। इसके द्वारा आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ Alt T और A दबाएंगे तो यह ऑप्शन चालू हो जाएगा। नॉर्मल सीट व्यू के लिए आप अल्ट के साथ V और N दबाएं तो आपकी जो वर्कशीट है वह नॉर्मल व्यू में आ जाएगी। तो अगला जो शॉर्टकट है वह है कंट्रोल B। यह हमारा बोल्ड करने के लिए जो होता है। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए जो होता है अल्ट के साथ E। पहले अल्ट दबाएं फिर E दबाएं फिर A दबाएं फिर F दबाएं तो आपका क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, छोटा बड़ा कलर या जो भी बॉर्डर दिए होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारे पास इंसर्ट डेट। जी हाँ, कंट्रोल के साथ आप सेमी कॉलन दबाएंगे तो न्यू डेट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैं दबा के देख लेता हूँ। जी हाँ, देखिए यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गई है, यह आ गई। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह है कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन। तो इससे हमारा इंसर्ट टाइम आ जाएगा, करंट का टाइम आ जाएगा। यह आ गया है हमारे पास करंट टाइम। अगला जो शॉर्टकट है वह है सेव करने के लिए। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा आपका। इसके बाद हमारे पास जो अगला शॉर्टकट है वह सेव एज करने के लिए। अल्ट के साथ एफ और ए दबाएंगे तो सेव एज का ऑप्शन खुल के आपके सामने आए। इसके अलावा मैक्रो का यूज हम रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं। कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह हमें रिकॉर्ड करनी हो तो हम मैक्रो का यूज करते हैं। अल्ट के साथ F8 का यूज करने पर मैक्रो ऑप्शन खुलता है। इसके बाद फाइंड का कंट्रोल के साथ एफ, फिर है रिप्लेस कंट्रोल के साथ एच, फिर है गो टू कंट्रोल के साथ जी का प्रयोग करने से गो टू का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद है मूव और कॉपी सीट। इसका यूज करने के लिए आप अल्ट दबाएं फिर ई दबाएं और एम दबाएं तो मूव और कॉपी दोनों हो जाएगा। यह आप करके देखना तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खोलने के लिए कंट्रोल के साथ 1,
पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के लिए अल्ट वी और पी का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो सम के लिए अल्ट के साथ बराबर, रैप टैक्स के लिए अल्ट और एंटर, जी हाँ उसी कॉलम में नीचे की तरफ लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, रैप टैक्स का अल्ट के साथ एंटर। इसके बाद है इंसर्ट पिक्चर, अल्ट दबाएं, आई दबाएं, पी दबाएं और फिर एफ दबाएं तो आपका इंसर्ट पिक्चर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इंसर्ट सिंबल, अल्ट के साथ आई और फिर एस, अल्ट दबाएं, आई दबाएं और फिर एस दबाएं तो आपका इंसर्ट सिंबल का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी शॉर्टकट मैं अल्ट के साथ यूज कर रहा हूँ उनको एक साथ प्रेस नहीं कर रहा हूँ, पहले अल्ट दबाता हूँ फिर अगला सिंबल फिर अगला सिंबल। जैसे यहाँ अल्ट आई एस है तो पहले अल्ट दबाएंगे फिर आई दबाएंगे फिर एस दबाएंगे तो आपका प्रॉपर से वर्क करेगा, आप भी ऐसे ही यूज करना। तो अगला जो शॉर्टकट है वह हमारा फिल्टर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल, इसको आपको साथ में दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ आपका फिल्टर ऑप्शन यूज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। तो अगली जो शॉर्टकट की है वह हमारे पास कंट्रोल के साथ एरो की, इसका उपयोग हम वर्कशीट के सबसे एंड में जाके करते हैं, जब आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो आप सबसे नीचे पहुंच जाएंगे और की का उपयोग करने पर इसके अलावा जो और की का आप उपयोग करेंगे वो इसके विपरीत काम करेगी। तो चलिए अगली की तरफ पढ़ते हैं, कट, जी हाँ कंट्रोल के साथ एक्स का प्रयोग करके हम कट कर सकते हैं, इसके अलावा शिफ्ट डिलीट से भी हम यह काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉपी, कंट्रोल के साथ सी का उपयोग करके हम कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा कंट्रोल और डिलीट का यूज करके भी हम कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली शॉर्टकट की ओर। इसके बाद है पेस्ट, कंट्रोल वी, इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंसर्ट का यूज करके हम यह काम कर सकते हैं, जी हाँ। अगली जो शॉर्टकट की है वह है इंसर्ट क्लिप आर्ट, अल्ट आई पी और सी का यूज करके हम क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अंडो के लिए हम कंट्रोल जेट का यूज करेंगे, इसके बाद न्यू वर्क बुक बनाने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करेंगे, अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो एक न्यू वर्क बुक हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करेंगे, सेव एज के लिए हम अल्ट दबाएंगे फिर एफ दबाएंगे और ए दबाएंगे, इसके अलावा आप F12 का यूज भी सेव एज करने के लिए कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वह है ओपन वर्कबुक, कंट्रोल के साथ O करेंगे तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आएगा जिसके द्वारा हम अपनी चुनी हुई वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है रीडू, कंट्रोल Y का यूज करते हैं हम रीडू का यूज कर सकते हैं, कॉलम की विथ बढ़ाने के लिए आप अल्ट ओ सी और डब्ल्यू का यूज करें तो आपकी विथ बढ़ जाएगी, जो भी चौड़ाई आपको चाहिए हो उसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, सी दबाएं फिर ए दबाएं, जिससे ऑटो फिट हो जाएगा, जितनी भी उसको जरूरत होगी लंबाई और चौड़ाई की वह अपने आप ले लेगा। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह है कॉलम को हाइड करने के लिए, जी हाँ आपका कॉलम हाइड हो जाएगा, अल्ट के साथ अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, सी दबाएं और फिर एच दबाएं। कॉलम अनहाइड करने के लिए आप अल्ट ओ सी और यू का यूज करें तो आपका कॉलम अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद रो हाइट को चेंज करने के लिए अल्ट ओ आर और ई का यूज करें तो आप अपनी हाइट सेट कर सकते हैं।
रो को ऑटो फिट कराने के लिए आपको अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, आर दबाएं और ए दबाएं, जिससे आपकी रो की जो भी लंबाई चौड़ाई होगी वह फिट हो जाएगी, ऑटो फिट हो जाएगी, जितनी भी चौड़ाई उसको चाहिए होगी वह अपने आप ले लेगा। रो को छुपाने के लिए हम अल्ट के साथ अल्ट दबाएंगे, फिर ओ दबाएंगे, फिर आर और एच, तो रो आपकी हाइड हो जाएगी। दोस्तों जो भी ये अल्ट वाले शॉर्टकट हैं आपको एक साथ नहीं दबाना है, पहले आप अल्ट दबाएं, फिर ओ दबाएं, फिर आर दबाएं, फिर एच दबाएं, तो आपका यह प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आपका एक बार में नहीं होता है तो आप उसको दो तीन बार करके देखें, आपसे हो जाएगा। इसके बाद है रो अनहाइट। रो छुपाने के बाद अगर हमें रो फिर से वापस लानी है, अनहाइट करना है, तो अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, आर दबाएं और यू दबाएं। इसके अलावा रीनेम करने के लिए, आपका सीट को रीनेम करने के लिए अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, एच दबाएं और फिर आर दबाएं, तो आपका जो सीट है वह रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सीट बैकग्राउंड के लिए आप अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, एच दबाएं, फिर बी दबाएं, तो आपका सीट बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन शो होने लगेगा। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह है डिलीट बैकग्राउंड। इसके लिए आप अल्ट दबाएं, ओ दबाएं, एच दबाएं और डी दबाएं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, टैप कलर। जी हाँ, टैप कलर को चेंज करने के लिए आप अल्ट दबाएं, वो दबाएं और फिर टी दबाएं, तो आपके टैब के कलर चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आप यह दबाएंगे तो एक कलर ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला शॉर्टकट है वह सीट को हाइड करने के लिए। जी हाँ, आप अगर अपनी सीट को छुपाना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, अल्ट के साथ ओ, एच और फिर एच, तो आपका हाइड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगला जो शॉर्टकट है वह है हमारे पास सीट को अनहाइट करने के लिए। जी हाँ, जब आप सीट हाइट कर देते हैं तो वो आपको दिखती नहीं है, फिर उसको आपको वापस लाने के लिए आप अल्ट के साथ ओ दबाएं, एच दबाएं और यू दबाएं। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें जो भी सीट आपने हाइट कर रखी है वह आएंगी, तो आप उस सीट को चुन लीजिए जिसको आपको अनहाइट करना है और ओके पर प्रेस कर दीजिए, तो आपकी सीट वापस आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। धन्यवाद।